हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि ये अपडेट सभी तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में स्टूडेंट एग्जाम की टेंशन के कारण तनाव में आ जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात से टेंशन में रहते हैं कि ना जाने परीक्षा में क्या पूछ लिया जाए, सारा सिलेबस याद करना आदि बातों से घिरे रहते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बल्कि कई बार टेंशन लेने की वजह से पढ़ी हुई चीजें भी भूलने लगते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को हंसते खेलते परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। परीक्षा की तैयारी करते समय अगर आप एनसीईआरटी के किताबों से प्रैक्टिकल करते हैं तो यह आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले ज्यादातर सवाल इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं, लिहाजा आप इसे प्रैक्टिकल करके परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान अक्सर किताब या नोट्स पर निर्भर रहते हैं, जबकि बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। ऐसा करने से परीक्षा में पूछे जाने वाले ट्रेट के बारे में जान और समझ सकेंगे। यह आपकी तैयारी के लिए काफी मददगार साबित होगा। तैयारी करते समय ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपको हर दिन पढ़ी गई चीजों को रिवाइज करने का पूरा समय दे। ऐसा करने से आपकी मेमोरी में चीजों को अच्छे से बिठा पाएंगे, जो आपके लिए परीक्षा के दौरान काफी मददगार साबित होगी। परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए दोस्तों के साथ पढ़ी गई चीजों को लेकर चर्चा करना भी काफी लाभदायक होता है। ऐसा करने से आपको यह मालूम चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। हेलो दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी सभी नई अपडेटिंग जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।